नमस्कार, मैं हूं सैफ खान और आप देख रहे हैं एचएन न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की एक खास खबर पर। बीवी की जुदाई ने बनाया चोर, मुंबई से बाइक चुराकर ठाणे बीवी से मिलता था, वहीं चोरी का ऑटो चलाकर देता था महंगे गिफ्ट व कपड़े। मुंबई की दिंडौसी पुलिस ने दो ऐसे साथी चोर को गिरफ्तार किया है जो बीवी से जुदा होने के बाद उससे मिलने के लिए पार्किंग में खड़ी गाड़ियां चुराता था। वहीं उन गाड़ियों से बीवी को सैर सपाटे कराने के बाद गाड़ी को ठाणे में छोड़कर दूसरी गाड़ी चुराकर मुंबई लौटता था। इतना ही नहीं, जब इन चोरों के पास पैसे खत्म हो जाते थे तो यह दोनों ऑटो रिक्शा चुराकर उसे चलाते थे। वहीं उससे कमाए हुए पैसे से बीवी को महंगे गिफ्ट और कपड़े भी देते थे। वहीं दिंडौसी पुलिस ने दोनों साथी चोर को गिरफ्तार कर उनके पास से 7 गाड़ियां भी जब्त की है जो मुंबई के अलग अलग पुलिस स्टेशन से चोरी की गई। वहीं जब्त की गई कुल गाड़ियों की कीमत करीब 3.5 लाख रुपए है। आपको बता दें कि दिंडौसी पुलिस को 7 जनवरी की दोपहर संतोष नगर फिल्म सिटी रोड पर खड़ी एक्टिवा स्कूटर चोरी की शिकायत मिली थी। पुलिस मामले की जांच करते हुए इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज तलाशने शुरू किए। वहीं दिंडौसी पुलिस स्टेशन के सहायक पुलिस निरीक्षक डॉक्टर चंद्रकांत घारगे और उनके सहयोगी सहायक पुलिस निरीक्षक अजीत देसाई और उनकी टीम रण सिवरे, नवनाथ बोराटे, हेमंत रोडे, शंकर माइगडे, शिवराम बांगर, अजीत चौहान, दत्तात्रेय गुजर, राहुल पाटिल ने मिलकर लगातार 36 घंटे तक 50 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाला, जिसमें दो लोग एक एक्टिवा बाइक लेकर जाते हुए दिखाई दिए। दोनों की पहचान पुलिस ने किया, दोनों दिंडौसी की हद में रहने वाले सातिल चोर हैं। वहीं उनके नाम सागर धोंडीबा चालके 29 वर्ष और अक्षय विलास पवार 26 वर्ष है। बाइक चोर को गिरफ्तार किया गया है जो एक अनोखा मोडस अपनाते थे अपनी मास्कों से मिलने के लिए। मुंबई से बाइक चोर कर थाने लेके जाते थे, वापस थाने से दूसरी गाड़ी चुरा कर मुंबई लाकर छोड़ देते थे। क्या पूरा मामला बताइए। दिंडौसी पुलिस स्टेशन के हद्दी में 7 जनवरी को एक गुना दाखिल हुआ था, जिसमें संतोष नगर एरिया से एक मोटर स्कूटर चोरी हुई थी। गुना दाखिल होने के बाद एक्चुअली मुंबई पुलिस, मुंबई शहर में मोटरसाइकिल चोरी का प्रमाण बहुत बढ़ता जा रहा है, इसलिए हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने मोटर स्कूटर और रिक्शा ये जो गुने हैं ज्यादा से ज्यादा डिटेक्ट करने के सूचना दिया था। तो इसके गुना दाखिल करने के बाद दिंडौसी पुलिस स्टेशन के डिटेक्शन जो टीम है उन्होंने 50 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज देख के दो आरोपी को गिरफ्तार किया था। उसमें से सागर धोंडीबा चालके और अक्षय विलास पवार, ये दो जो आरोपी है गोरेगांव इलाके से हमने अरेस्ट किया था। तो तहकीकात में उनसे टोटल 7 गाड़ियां रिकवर किए हैं, उनमें से दिंडौसी पुलिस स्टेशन की 4 मोटर स्कूटर है और नौपाड़ा पुलिस स्टेशन, मुलुंड पुलिस स्टेशन एंड पंतनगर पुलिस स्टेशन के एक एक गाड़ियां हैं। कुल मिला के 3,40,000 का मुद्देमाल यानी कि गाड़ियां पुलिस ने जब्त किए हैं। आगे की तहकीकात चालू है। ये लोग मुंबई शहर से गाड़ी चोरी करके थाना लेके जाते थे, वहां पे घुमाते थे और थाना शहर की गाड़ियां मुंबई में आके चलाते थे। सर, जानकारी है कि अक्षय की जो शादी थाने में हुई थी अपनी बीवी से मिलने के लिए यहाँ से गाड़ियां चुरा कर लेके जाता था। इसके बारे में जो पुलिस ने तपास किया तो उसमें ये चीज सामने आई थी कि जो अक्षय पवार है उसका ससुराल थाना में था, तो यहाँ से उसको थाना जाने के लिए वो गाड़ी चोरी करके थाना जाता था और वहां से आने के लिए फिर से वहां से गाड़ी चोरी करके इधर आता था। कि अभी दोनों आरोपी पुलिस कस्टडी में है, पुलिस अधिक तपास कर रही है, उसमें से और चीजें सामने आ सकती है।